ये देखिए गाइस, हमारा वाटरमेलन का जूस बन करके तैयार है। इतना टेस्टी और इतना यम्मी, और 1 मिनट में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही बीज निकालने पड़ेंगे, जो कि इस गर्मी आपको बिल्कुल ठंडक देगा। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस ये देखिए, कुछ हमने वाटरमेलन ले लिए हैं, छिलका ऊपर का छिलका निकाल दिया है, और हम इनके बीजों को भी नहीं निकालेंगे, और देखिए बीज भी आसानी से निकल आएंगे। तो चलिए इनको हम बनाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है इस समय, ठंडक ठंडक महसूस करने के लिए कुछ ठंडा होना चाहिए इस वजह से। तो देखिए, वाटरमेलन हम अपने मिक्सी के जार में ऐड कर रहे हैं। अगर बड़े बड़े टुकड़े हों तो उनको तोड़कर हाफ छोटे छोटे टुकड़े कर लें, जिससे कि ग्राइंड होने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से देखिए ग्राइंड करेंगे, और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, यानी हाफ टेबल स्पून, और इसको हम इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, ताकि हमारे शरीर को ये ठंडक दे, और उसके बाद में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। एक बात और गाइस, इसमें आप बर्फ़ डालना चाहते हैं तो आप बर्फ़ की टिक्कियाँ डाल सकते हैं, आइस क्यूब्स। तो देखिए, हमने बिना आइस क्यूब के ऐसे ही पीस लिया अच्छे से। अब इसको छन्नी से हम छान लेंगे। देखिए गाइस, ये हमारी थोड़ी सी मोटी छन्नी है, महीन छन्नी है, चाय छानने वाली, तो इससे हम छान रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, लेकिन छन गया था स्पून से, ऐसे करते करते छन गया है। आप चाहें तो थोड़ी सी मोटी छनी लें, जिससे कि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो। और देखिए, इसमें बीज भी आसानी से निकल आए हैं, बिल्कुल भी हम अलग से नहीं निकाल रहे हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार है, इसको हम सर्व करेंगे ठंडा ठंडा। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब डाल सकते हैं, हमने आइस क्यूब नहीं डालने हैं, ऐसे ही ठंडा करके पीना है। तो ये देखिए गाइस, इसको हमने पुदीने के पत्ते से इसको गार्निश कर दिया है। बहुत टेस्टी, बहुत रिफ्रेशिंग जूस बन करके तैयार है हमारा वाटरमेलन का। तो अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।